नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जो EMRS हॉस्टल वार्डन के पद निकले हुए हैं उसकी तैयारी आप कैसे कर सकते हैं। मेल और फीमेल दोनों के अलग अलग निकले हैं, आपको किसी पेड कोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप फ्री में तैयारी कर सकते हो। कहाँ से करेंगे, कैसे करेंगे, मैं आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल दूंगा। तो देखिए, तो EMRS हॉस्टल वार्डन इसकी बात करें तो इसकी योग्यता देखते हैं पहले। तो भाई इसमें ना तो किसी BEd की जरूरत है ना किसी CTET की जरूरत है, सिर्फ आपकी क्या चाहिए, ग्रेजुएशन। जी हाँ, ओनली ग्रेजुएशन, सिर्फ आपकी ग्रेजुएशन चाहिए इसमें। और कितने परसेंट चाहिए ग्रेजुएशन में, ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है। चाहे आपकी फर्स्ट सेकंड थर्ड भी आई हो ना, तब भी आप उस फॉर्म को फिल कर सकते हो। तो कोई परसेंटेज की लिमिटेशन नहीं है, यानी कि कोई भी परसेंट वाला सिर्फ पास होना चाहिए, चाहे उसके पास BA हो, BSc हो, BCom हो, कुछ भी हो, ठीक है, सिर्फ ग्रेजुएशन होनी चाहिए तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बात करें पद कितने हैं, तो मेल के इसमें 335 पद हैं और फीमेल की बात करें तो 334 पद है, ठीक है। अब इसकी सिलेबस डिस्कशन कर लेते हैं। उससे पहले पैटर्न बता दें हम कि टोटल 120 मार्क्स का आपका पेपर होगा, 120 क्वेश्चन आएंगे, उसमें आपका टाइम कितना होगा, 2.5 घंटे, ठीक है, या 2 घंटे या 30 मिनट होगा, ठीक। बात करते हैं निगेटिव मार्किंग, निगेटिव मार्किंग मतलब कौन फोर्थ है, समझ गए, यानी कि आपके 4 क्वेश्चन गलत हो गए तो आपका एक सही वाला कट जाएगा। अब बात करते हैं, देखिए सब्जेक्ट की तैयारी बताते हैं कौन कौन सा सिलेबस है और आपको कहाँ से कैसे तैयारी करनी है। पहले बात करते हैं जनरल अवेयरेंस की, ये कितना आपके 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 नंबर के आएंगे। इस जनरल अवेयरेंस में आपको हिस्ट्री, भूगोल, पॉलिटिक कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ना है, करंट अफेयर। क्या पढ़ना है इसमें, इसका आपको पढ़ना है करंट अफेयर, जी हाँ, करंट अफेयर प्लस में और क्या पढ़ेंगे इसमें, स्टैटिक GK, ठीक है, बस इनसे आपके क्वेश्चन आएंगे 10, ये करंट अफेयर और स्टैटिक GK से। स्टैटिक GK में भी यही है, ये रैंक वैंक वाले होते हैं जो क्रिकेट से संबंधित होते हैं, कौन सा वार्ड किसे मिला, इस तरीके से, ठीक है। ये आपके जनरल ब्रांच है, ये कहीं से किसी यूट्यूब चैनल से आप कर सकते हो, सब करवाते हैं, लास्ट 6 मंथ की आप कर सकते हैं, जैसे गौरव सर है, ठीक है, उन गौरव सर से पढ़ सकते हो आप। बात है रीजनिंग की, रीजनिंग 10 नंबर के रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे, ये कहाँ से, हमने आपको कई बार बता रखा है, एक यूट्यूब चैनल है रैंकर गुरुकुल, क्या है, रैंकर गुरुकुल, फ्री में भाई, पूरा पूरा फ्री पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ जाइए और अपनी तैयारी करिए रीजनिंग की, एक से एक बेस्ट रहेगा इनके पास, सर के पास, ठीक। अब बात करते हैं ICT कंप्यूटर की, ठीक है, कंप्यूटर आपका कितने नंबर का आएगा, 20 नंबर का आएगा। तो कंप्यूटर के वैसे इनके देखो, इन सब के नोट्स हम आपको फ्री प्रोवाइड करा देंगे, जनरल अवेयरेंस के, रीजनिंग के, कंप्यूटर के, इन सब के, ठीक है। अभी हमको बताते हैं कहाँ से पढ़ना है आपको, हमने जनरल अवेयरेंस बता दिया आपको, रीजनिंग बता दी कहाँ से, रैंकर गुरुकुल से पढ़नी है। बात करें कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर का जो कोर्स है वो भी यूट्यूब चैनल पर ही, रैंकर गुरुकुल पर ही फ्री पढ़ा है। इसके साथ ही साथ जो KVS का पेपर हुआ था, KVS का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें बहुत से यूट्यूब चैनल है, आप सर्च कर लेना उन YouTube चैनल में, पूरा पूरा आपका जो ICT कंप्यूटर है फ्री पड़ा है। जैसे कि बात करें RWA रोजगारी दंग की चैनल है, वहाँ पर कंप्यूटर का कोर्स पूरा फ्री पड़ा है, साथ ही नोट्स भी है, वहाँ से भी आप इस ICT कंप्यूटर को तैयार कर सकते हैं। फुल फॉर्म आएगी भाई, किसका क्या काम होता है, इस तरीके से आएगा, ठीक है। बात करते हैं अगला जो टॉपिक है, वह पोस्को एक्ट एंड अदर चिल्ड्रन सेफ्टी एक्ट, पोक्सो एक्ट है, इसके हम नोट्स दे देंगे आपको, ये वही है जो KVS में पूछा गया था, ठीक है। और जो इस तरीके के क्वेश्चन थे सारे प्रीवियस ईयर आपको बताएंगे आपको कहाँ से करने हैं, ठीक। तो कितने नंबर का आएगा, आपका आएगा 10 नंबर का, पोक्सो एक्ट, इसके हम नोट्स दे देंगे आपको हिंदी में बिल्कुल अच्छे से, और साथ साथ इसकी तैयारी भी आपको यूट्यूब चैनल से बता देंगे कहाँ से करनी है। अब बात करते हैं आगे एडमिनिस्ट्रेशन एप्टीट्यूड, ये बिल्कुल नया टॉपिक है, देखो ये बिल्कुल नया टॉपिक, सबसे ज़्यादा इसमें कन्फ्यूजन है, सोच रहे कि कोर्स ले, इस एक टॉपिक के बदले आप कोर्स लोगे, मतलब ये जो सब्जेक्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड, इसमें क्या आता है, इसमें कुछ नहीं, इसमें आपकी जैसे CTET में क्वेश्चन आते हैं ना, आपकी समझ के बेस पर आधारित होते हैं। जैसे कि समझ है क्या, बच्चों कैसे पढ़ाएंगे, बच्चों को डांटेंगे नहीं डांटेंगे, इस तरीके से निगेटिव और पॉजिटिव वर्ड का खेल है इसमें, सब्जेक्ट में बिल्कुल वही है, निगेटिव पॉजिटिव वर्ड का खेल है, ठीक है। जैसे क्या कि हैंडलिंग ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों कैसे हैंडल करोगे आप, ज़्यादा बच्चे हो तो कैसे हैंडल करोगे, या फिर सेफ्टी, बच्चों की सेफ्टी कैसे, सुरक्षा संबंधित, और उसकी क्लीनिंग, उनके साफ सफाई संबंधित, उनके रिकॉर्ड, बच्चों का रिकॉर्ड रखना, मेंटेन करना, लड़का लड़की, मेल फीमेल दोनों कैसे मेंटेन करोगे, इस तरीके से। तो मतलब यही है कि आपके एप्टीट्यूड से संबंधित क्वेश्चन आएंगे इसमें, एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड में भी, समझ गए ना, अगर आप समझ अच्छे से समझोगे, मान लो सोच लो आप ये टॉपिक निकाल कर, आप गूगल कर लो, गूगल से पढ़ो तब भी अच्छा है, वरना मैं यूट्यूब चैनल भी बताऊंगा जो इन सबको थोड़े डिटेल में बता रहे हैं। फिर सिर्फ आप इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो मिलने के नहीं, क्योंकि पहली बार पेपर ले रहा है EMRS, पहली बार पेपर ले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो है नहीं, ठीक है। तो जो होर हॉस्टल वार्डन के पेपर होते हैं कहीं और पर, उनके प्रीवियस ईयर आप पढ़ सकते हैं, मैं आपको बताऊँगा कौन से यूट्यूब चैनल से आपको पढ़ने हैं, ठीक। और साथ ही साथ अब बात करते हैं हिंदी की, तो हिंदी कितनी, 10 नंबर की, इंग्लिश आपकी 10 नंबर की, ओरिजिनल लैंग्वेज ये भी कितने हैं, 10 नंबर की। हिंदी इंग्लिश आपको कहाँ से करनी है, वही RWA पूरा कोर्स कंप्लीट पड़ा है भाई, कहीं भागने की जरूरत नहीं, इधर यूट्यूब चैनल पर किसी भी चैनल भागने की जरूरत नहीं, आपको सीधे यूट्यूब चैनल फॉलो कर ले RWA, इससे पूरा पूरे कोर्स कंप्लीट पड़े हैं। हिंदी सब सेम ही होती है भाई, इंग्लिश भी सेम ही होती है,
ठीक है। तो इन्होंने जैसे RWA का चैनल है भाई, यू पुलिस का पढ़ लो आप, या DSSB का, या UPTET के, इन्होंने पूरे पूरे कोर्स कंप्लीट करवा रखे फ्री में, और वही कंटेंट है, वही कंटेंट आपका आएगा पेपर में, तो आपको कोई पेड कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। रीजनल लैंग्वेज की बात है, रीजन होता है आपके क्षेत्र की भाषा। जैसे अगर आप हिंदी इंग्लिश पढ़ रहे हो तो मैं कहूँगा आपको रीजनल लैंग्वेज आपको हिंदी लेनी चाहिए या फिर इंग्लिश लेनी चाहिए, जो आपकी अच्छी हो, ठीक है। तो इससे आपको फायदा मिल जाएगा, क्या फायदा मिलेगा, ये देखो 10, 20, 30 नंबर आपके कोर हो जाएंगे, 30 में से आप 25 प्लस आसानी से ले आओगे, समझ गए ना। अब आते थे एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड, इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन थी, इसे कहाँ से करें, कौन सी बुक ले, कौन सी ना ले, किसी बुक की कोई जरूरत नहीं है। आप सिलेबस निकाले, जो टॉपिक है उसको या तो यूट्यूब करिए, यूट्यूब पर देखिए इस टॉपिक को, या फिर आप गूगल करिए, थोड़े से डिटेल में पढ़िए हल्का सा, और फिर सिर्फ क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे, क्वेश्चन आपके लिए यूट्यूब पर बहुत से यूट्यूब चैनल है, सब क्वेश्चन करवा रहे हैं, तो आपको आइडिया मिल जाएगी कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे बात करें हम, अगर आपको पेड कोर्स लेना किसी का, तो मनु राठी मैम है, उनका RWA की है, मनु राठी मैम है, उनका पेड कोर्स ले सकते हैं, 500 रुपये का है बस, वो आपको आइडिया लग जाएगा भाई, ठीक है। फिर भी आपको सेल्फ तैयारी करनी है, मैंने सारे सब्जेक्ट बता दिए, बहुत ईजी है, ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक। सबके लिए ये चीज़ें नहीं है, ये KVS में पहले पूछी जा चुकी है, इसके नोट्स प्रोवाइड कर देंगे, इसके भी नोट्स दे देंगे हम, अगर हमें अरेंज हुआ तो, ठीक है। लेकिन बाकी और सब चीज़ों के इसे छोड़कर हम सबके नोट्स आपको दे देंगे, अगर इसके रेंज हो तो आपको कोशिश करेंगे नोट्स देने की, ठीक। अब बात करते हैं फ्री कहाँ से पढ़े, तो फ्री एक चैनल होता है लर्निंग टुगेदर चैनल है, वे इस चीज़ को एडमिनिस्ट्रेटिव जो एप्टीट्यूड है ना आपको 30 नंबर का, इसको बता रहे टॉपिक वाइज। जैसे कि मैंने कहा ना हैंडलिंग ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों कैसे हैंडल करें, तो उसके बारे में उन्होंने एक वीडियो बना रखी, ठीक है, अच्छे से उसे डिटेल में पढ़ लो थोड़ा सा, ठीक, आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये वही है कि बच्चों कैसे हैंडल करोगे, बच्चे सफाई कैसे करोगे, किस बच्चे ने गंदगी खिला दिया, उसे डांटोगे, पीटोगे, क्या करोगे, एफआईआर करोगे या प्यार से समझाओगे, तो इस तरीके से ऑप्शन आएगा। सारा का सारा आपके किस पर आधारित है, आपकी समझ पर आधारित है, जैसे CTET में क्वेश्चन आते हैं उसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है भैया। हॉस्टल वार्डन का क्या कार्य होता है, 4 ऑप्शन दे देगा इनमें कौन सा कार्य है कौन सा नहीं है, तो ये चीज़ें कब आएगी, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ दें इसे अच्छे से। अगर बुक लेना चाहते हैं तो आप परीक्षा प्लस की बुक है इनसे संबंधित है, वो ले सकते, अच्छी है, ठीक है। लेकिन मैं कहूँगा कि आप अगर वैसे गूगल से तैयारी करो, यूट्यूब से तैयारी, आपकी आसानी से हो जाएगी फ्री में। और ये जैसे लर्निंग टुगेदर मैंने चैनल में बताया आपको, एडमिनिस्ट्रेटिव जो एप्टीट्यूड आपका, इसकी तैयारी करवा रहे हैं, साथ साथ जो पोक्सो एक्ट है इसकी भी तैयारी करवा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है दोनों, ये आपकी ICT कंप्यूटर की तैयारी करवाई इन्होंने, तो मैंने आपको बता दिया कहाँ से आपको ऐसी तैयारी करनी है, ठीक। बुक के चक्कर में ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, इसका कोई प्रेशर है, ठीक। सिर्फ आपको क्या करना, जैसे आप हो ऐसे और बच्चे हैं, सब इसमें नए हैं, ठीक। तो सब आपको सिर्फ इस पर पकड़ करनी है, पोक्सो एक्ट पर, एडमिनिस्ट्रेटिव और ICT कंप्यूटर, ये 3 सब्जेक्ट जो नए हैं। ICT कंप्यूटर मैंने बता दे, वही RWA से कर लीजिए, कहीं भागने की जरूरत नहीं, नोट्स भी वहाँ पर उपलब्ध है, ठीक। और रीजनल लैंग्वेज आप हिंदी ले लें, इंग्लिश लें, जो आपकी अच्छी हो, वैसे बंगाली कुछ भी ले सकते हो आप, ठीक। लेकिन जैसे हमारे इधर के आए तो UP के हो गए, हरियाणा के, इधर साइड वाले, ये सारे हिंदी लेना, उससे आपकी हिंदी में, यहाँ भी देखो हिंदी को रोजा, यहाँ भी हिंदी को रोजाएगी, तो दोनों अच्छा हो जाएगा, ठीक है। आपको दो सब्जेक्ट भी तैयार हो जाएगा। तो मैंने आपके जो डाउट थे मैंने आपको बता दिया कि हॉस्टल वार्डन की तैयारी आपको कैसे करनी है। जनरल अवेयरनेस में आपको बिल्कुल भी हिस्ट्री पॉलिटिक्स चक्कर में नहीं पढ़ना है, सिर्फ जी करंट अफेयर पढ़नी है और स्टडी के पढ़नी है, थोड़े से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, डांस हो गए, पार्क हो गए, ठीक है, पुस्तकें होगी, बस ये पढ़ना है, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। इसमें अगर आप 5 से 6 नंबर मिले बहुत बड़ी बात है, सबका ये सेम ही होता है जनरल अवेयरनेस। फिर इसमें मैंने बता दिया आपको रैंकर गुरुकुल, ICT कंप्यूटर बता दिया, रैंकर गुरुकुल भी करवा रहे हैं, और ये RWA पर पढ़ा है, KVS का जो कोर्स था उसमें फ्री पढ़ा है, इस साथ ही पोक्सो एक्ट, इन सब के नोट्स हम आपको ने टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे, उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में देंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, बहुत ही जल्द। जय हिंद, जय भारत।